Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 10. Are you ready? आज हमारा लेक्चर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. एक फर्स्ट स्टेप फॉर द फर्दर स्टडी. इसमें चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 से प्रीवियस एक नई चीज है कि किस तरह मैथ जो है वो साइक्लिक प्रोसेस को मुकम्मल करता है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी स्टैंड फॉर द वन, और वन का क्यूब रूट की जो सॉल्यूशन है वो क्या है. एक बात हमने ध्यान में रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो. और स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. इसके साथ आपको कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का भी आप जेहन में रखिएगा. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि अगर आयोटा है तो माइनस आयोटा, ये रूट्स आपके सामने डिस्कस होगी. ये टू प्रीवियस फॉर्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और सिमिलरली दिस वन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उसमें साइन चेंज हो जाएंगे ऑल्टरनेट, पहला प्लस रहेगा और बाकी टर्म्स में ऑल्टरनेट चेंज आती है. फिर जो नई चीज आपने सीखनी है दैट इज अ ओमेगा. और लास्ट में मैंने आपको एक टिप बताना. रेडी? एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज से पहले आपने पेज ओपन करें एट अ पेज ऑफ पेज नंबर 22. उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया. लेट अ नंबर ऑफ एक्स, यानी एक्स इक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है. करने के बाद हम देखें कि इसकी क्या क्या रूट्स आती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट में जाना है और इस कॉम्प्लेक्स रूट को हम कैसे हैंडल करते हैं. नाउ एक्स इक्वल टू 1, टेकिंग क्यूब बोथ साइड. नाउ एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यहां सिर्फ आप इंप्लाइज डाल दीजिएगा. नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1, लेफ्ट साइड पे साइन चेंज कर दें. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0. क्लियर हो गया? नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, दैट इज अ फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब. आप इसी फॉर्मूले को हैंडल कीजिएगा. यहां ए एक्स को और बी 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, चूंकि बी 1 है तो एक्स ही आएगा और ए एक्स है, एन प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1. अब फैक्टर्स में ये दोनों मल्टीपल जो है वो 0 के इक्वल हैं, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ एक्स इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट रूट. क्योंकि क्यूब है तो इसका मतलब इसकी तीन रूट्स निकलेंगी. पहली तो रूट आ गई आपकी एक्स इक्वल टू 1. अब इस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग स्प्लिटिंग फॉर्मूला फैक्टराइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि तमाम के कोफिशिएंट 1 है. हमें जाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ. यहां आप फॉर्मूला लिखें, पहले से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. जब आप इसे कंपेयर या इक्वेट करते हैं, नाउ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, पहला चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, सी इक्वल टू 1 ये आ गया. अब इसमें मैं फॉर्मूला लिखाइए, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी
होल आवर 2a. क्लियर, ये फॉर्मूला डेफिनेटली आ गया. अब इसमें वैल्यू फिट कीजिएगा. नाउ x इक्वल टू b को रिप्लेस करें 1, a को रिप्लेस करें 1, c को रिप्लेस करें 1, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 स्क्वेयर दैट इज अ 1 माइनस 4 a दैट इज अ 1 b इज इक्वल टू 1. तो यहां माइनस 4 ही रहेगा. अगर आप 1 लगाना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है वैसे. होल ओवर 2 इंटू 1 दैट इज अ 2. नाउ x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट दैट इज अ माइनस 3 होल ओवर 2. स्क्वेयर रूट में नेगेटिव, क्लियर इंडिकेशन कि आपकी रूट या सॉल्यूशन दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह हैंडल करना है और किस तरह आपने इसको लेके चलना है नेक्स्ट, वो मैथमेटिशियन ने आपके लिए आसानी पैदा की है. यहां तक तो आप पहुंच गए. पहुंचने के बाद आप चेक कीजिएगा, आपने यहां सपोज करना है दैट इज अ लेट. अब वैसे इसे सपोज को बाद में देख लें. अगर हम इसके तमाम सॉल्यूशन को देखिएगा तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 1, दिस वन. एक वैल्यू आ रही है ये माइनस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, और एक वैल्यू प्लस के साथ लगाएं माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 होल ओवर 2. दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. 1 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2. ये माइनस और ये प्लस को 2. अब आप ये देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि अब आपने दैट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अगर तो कॉम्प्लेक्स रूट है तो एक दूसरी, दो रूट्स हैं तो दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट होगी. देख लें, ये अयोटा, अगर मैं इसे अयोटा में कन्वर्ट करूं, माइनस 1 स्क्वायर रूट दैट्स अयोटा, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. अब मैथमेटिशियंस क्या कहते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे और इस रूट को रिप्लेस करेंगे, इसे ओमेगा कहा जाएगा. दैट्स अ न्यू वर्ड. ये वही ओमेगा है जो कि वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए एज अ फिजिक्स में. और दिस वन इज अ ओमेगा 1 इनटू ओमेगा एंड दिस वन इज अ ओमेगा स्क्वायर. यानी कि सपोज किया जाएगा कि लेट कर लीजिएगा आप ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 3 अंडर रूट होल ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होल ओवर 2. इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं अयोटा की फॉर्म में तो माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, माइनस 1 स्क्वायर रूट दैट इज अयोटा और अंडर रूट 3 रहेगा. ये वो प्रोसेस है. ये जो नई चीज है आपने ये सीखनी है कि ओमेगा क्या है. ओमेगा की वैल्यू ये फिक्स कर दी गई है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं. बस ये चीज आपने ज़हन में रखिएगा, ये पूरी 2.2 एक्सरसाइज में आपके काम आएगी. कुछ जो है वो मार्क्स जो है वो आपके बोर्ड में वो 2 मार्क्स ही आएंगे, और दैट इज अ कंफर्म्ड मार्क के 2.2 में लाजमी पार्ट आता है. अब हम 2.2 के कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन करते हैं. हम एक्सरसाइज 2.2 पेज 25, हरिया प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स हैं. इनमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है माइनस 1 की, माइनस 27 की, 64, 8 है. आइडेंटिकल तमाम पार्ट्स हैं और एक ही मेथड है, उसमें मैंने पिक किया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8. 8 की आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है. अभी जो मैंने इसकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुताबिक बताया आपको, उसी को सामने रखते हुए अपने लेटर नंबर एक्स, वहां 1 था यहां 8, टेकिंग क्यूब बोथ साइड
एट रह गया, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, साइन चेंज कीजिएगा, एट एल यू नो डेट आर क्यूब ऑफ आर टू, अब टू ले आए, डेट्स अ फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस वन ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ए रिप्रेजेंट एक्स बी बाय टू, आप उसमें वैल्यू फिट कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है ताकि आपको दोबारा बुक आगे पीछे करने की जरूरत पेश नहीं आए। नाउ एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, तीन में से एक रूट तो आपको मिल गए। नेक्स्ट एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस फोर, फॉर्मूले में जाना है, बारह कहूं, इसको आपने मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती और ना ही कोशिश कीजिएगा। जब फॉर्मूले में आप चले जाएं तो फॉर्मूले में जो सेकंड होता है उसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हट सकते। अब आप इसे फॉर्मूले में ले जाए, इसे इक्वेट करें, ए डेट इज अ वन, ए डेट इज अ वन, ए की वैल्यू यहां वन, बी है टू एंड सी है फोर, इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में फीड कर दी जाए, माइनस टू प्लस माइनस फोर बी स्केयर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर, फोर ए सी, ए वन सी फोर एंड टू इंटू वन डेट इज अ टू, ए रिप्रेजेंट इज टू वन। नाउ फोर माइनस सिक्सटीन, यस माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व की प्राइम फैक्टराइजेशन मिले हैं, ट्वेल्व डेट इज अ टू इंटू सिक्स एंड टू इंटू थ्री, ये टू जो है वो स्केयर रूट से बाहर ले आए, डेट इज अ टू माइनस थ्री, आप स्केयर रूट के अंदर ही रहने दें, यानी कि पेयर जो है वो सिंगल स्केयर रूट से बाहर आएगा, टू कॉमन ले लीजिए। दैट्स इट, यहां टू कॉमन लेने के बाद आपका कुछ दिल करेगा कि इस टू को इस टू से कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं करना, बस आपने टू कॉमन लेके इसके रूट को मुकम्मल करें। यहां पहली रूट आई है टू, वो आप यहां लिख दें, फिर ये टू और एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ इनकी रूट सेपरेट कर लेनी है। बार बार कह रहा हूं टू को टू के साथ सिंप्लीफाई नहीं करना है। करने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, माइनस वन माइनस के रूट माइनस थ्री ओवर टू, हम पहले इसको ओमेगा कह चुके हैं, दैट इज ओमेगा, माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री ओवर टू डेट इज ओमेगा स्केयर। अगर मैं टू इससे कैंसिल कर दूं तो फिर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, रिमेंबर। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, माइनस साइन जो है वो आप ओमेगा स्केयर को और प्लस साइन जो है वो ओमेगा को भी दे सकते हैं, यानी कि सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन मैं बच्चों को कुछ, आप लोगों को कुछ इस तरह गाइड करता हूं कि ऑल नेगेटिव वैल्यूज हो तो आप उसे ओमेगा ले लें, और अगर ये ऑल्टरनेट हो तो उसे ओमेगा स्केयर ले लें, रिमेंबर। अब आपने इसको ओमेगा लेट कर देना, ये टू आ गया, ये टू एंड दिस वन इज ओमेगा, क्लियर, क्योंकि ओमेगा दिस वन टू, दिस वन इज अ टू एंड दिस वन इज ओमेगा स्केयर, दैट इज ओमेगा स्केयर, दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, क्लियर हो गया। इन चीजों को आपने देखना है, मैं थोड़ा सा आपको एक नई चीज यानी हिंट या टिप्स बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर क्यूब रूट जो है वहां आपके एट वैल्यू जो है वो थ्री आए, यानी कि 27 अगर मैम कर रहे हैं या 64 आप नेक्स्ट करेंगे, अगर एक वैल्यू थ्री आए, जैसे कि एक रूट जो है वो थ्री आएगी, तो रिमेनिंग जो टू रूट्स होंगी उसका कोफिशियंट भी थ्री ही होगा, दैट इज थ्री ओमेगा एंड थ्री ओमेगा स्क्वायर। अगर रूट जो है फर्स्ट रूट दिस वन, फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर्मूला भी यही लगाएंगे, अगर वहां आया माइनस फोर या फोर, माइनस फोर है तो वो माइनस फोर ओमेगा एंड माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर आएगा। और अगर इन केस के आपकी फर्स्ट रूट जो है, रियल रूट जो है वो फोर है, तो इमेजिनरी रूट के कोफिशिएंट में भी फोर ही आएगा, दैट इज अ ट्रिक। ये एक ऐसी चीज आपने याद रखनी है, इसलिए मैंने कहा कि यहां टू आया
तो आप गेस कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस में अगर यहां 1 था तो उसके साथ 1 डॉट ओमेगा डेट मीन ओमेगा कोमा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर डेट ओमेगा स्क्वायर आया था। यस, ये चीजें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।